चाहिए, मैं आपको तिहार जेल की यात्रा पर लेके चलता हूँ। क्या आप यात्रा करने के लिए चल रहे हैं मेरे साथ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ये मैं आपको तिहार जेल लेके चलता हूँ? आप चलने के लिए तैयार हैं? आपने ये भी नहीं पूछा कि क्या करेंगे, हमारे तो उनको काम नहीं है। अब आप देखिए, नहीं देख लीजिए, नहीं आपने देखने का दृष्टिकोण बदलिए। हम पहले व्यक्ति से मिलते हैं और पता करते हैं कि आपका नाम क्या है। जब हम नाम सुनते हैं और पता करते हैं कि आपने क्या किया, तो पता लगता है कि आपने हिंदुस्तान का सिविल सर्विसेज का एग्जाम ड्रॉप किया है। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे तिहार जेल लेके जाएंगे और वहां एक व्यक्ति मिलेगा जिसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम ड्रॉप किया है। आइए हम दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, पता करते हैं कि आपने क्या किया है। पता लगता है कि आपने आईएम को अच्छा नंबरों से पास किया है। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है कि हमने ये समझ गया कि खराब जगह है और लोगों ने हमें इस तरीके की व्यवस्था है, इस तरीके की परंपरा है, इस तरीके का हमको जो एजुकेशन दिया है वो यही है कि आप अगर इस बात को देखेंगे जो गलत दृष्टिकोण के कारण ही देखेंगे, आप बिल्कुल भी ये नहीं चिंता करेंगे कि वहां भी अच्छा ही आपको मिलेंगे। अच्छा ही आपके साथ है, थी और रहेगी आपको, बस अगर नहीं है तो आप अच्छा ही को पैदा करेंगे। आपके पास पोटेंशियल है, हिंदुस्तान का अभी करता अब लोग आपके लिए कहे कि बड़ी कार कौन खरीदेगा, बोले इंश्योरेंस एजेंट खरीदेगा। बड़ा मकान कौन खरीदेगा, बोले इंश्योरेंस एजेंट खरीदेगा। घर में वाइफ को ज्वेलरी कैसे पहनाएंगे, बोले इंश्योरेंस एजेंट की वाइफ की ज्वेलरी जाके देखो। अच्छे कपड़े कौन पहनेगा, बोले इंश्योरेंस एजेंट पहनेगा। लोग ये कहते हैं कि लोग आज आप पे हंसेंगे, लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन किसी दिन ऐसा आएगा जब आप पे ध्यान देंगे वो बहुत लेट हो चुके होंगे, लोग व्यवस्था आपको देख के काम करेंगे। तो आप इस तरीके का भले आपको लगे या भले आपको नहीं लगे, लेकिन आप आज बोलना शुरू कीजिए, लोग जब सुनते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। और किसी ने अगर सुन लिया तो ये सफलता का श्रेय आपको जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं तीन तरीके से लोगों को फल देता हूँ, करण करावन को अनुमोदन।